cardom don marlia tu kuson no nang di tu mesen lang ke di mesen lang di to la si pinya chenela bang ke theng the theng the kar nule lang pon thuig na or जो मुझे रिक्वेस्ट किया था हिंदी से बोलने के लिए, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि नमस्ते आप सभी को, होप आप लोग सब ठीक ठाक ही हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जो दोन मार लिया तुम लाइक था पीने के थैंक यू से नहीं बेकार जी नंगला एक दोन बॉम हो। आज मैं सूखा मकई भूजने वाली हूँ तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं मकई का छिलका सब छील दिया हूँ, अब मैं निकालने जा रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। ये बहुत टाइट है, सूख गया है बिल्कुल, आप लोग देखते रहिए। इसको सब निकालने के बाद भूजना है तभी ना इसका हलवा बनेगा, आप लोग देखते रहिए। आप लोगों का देश में ऐसे खाते हैं कि नहीं खाते मुझे मालूम नहीं है, पर हम लोगों का देश में तो खाते हैं। हम लोगों का देश है कार्बी आंगलोंग, आसाम कार्बी आंगलोंग, इसलिए ये वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि यूपी बिहार में तो इसका सूखा मकई पीस के उसका रोटी खाते हैं, पर इधर हम लोग अलग टाइप का खाते हैं, इसलिए आप लोग देखते रहिए। ये देखिए मैंने सब छील दिया है, ये सिर्फ एक ठो रह गया है। इली तुम के चीनी दी दन मार लिया तुम नन के ठेंग ठेकी क्रिया पर लो लसे ठेंग ठेकरी लो प्लोते चारनू प लसे आदु चोकोय प लसे साय की जो नीली लसे जो लाइन था दन मार लिया तुम नीली जो हेक एड लो लाइक सीगे तो लाता हेक एक डेड लो लसे ना कार्डुले लाकोन थ्री नंबर। ये देखिए कढ़ाई पूरा गर्म हो गया है, जो सूखा वाला मकई है मैं इसमें डाल देती हूँ। भाजते रहना है ऐसे, इसको हल्का हल्का से भाजना है, इसको भाज भाज के पूरा ब्राउन हो जाएगा तब इसको उतार देना है। ये देखिए ये देखिए अब पूरा फटना चालू हुआ है। ऐसे बाहर आग जलाने से आग में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, पर आज में बाहर में आग जलाया नहीं हूँ इसलिए मैं गैस में बूझ रही हूँ उसको। वैसे भी टेस्टी होता है पर आग में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल पूरा फूट रहा है। इस साल का सूखा मकई रखा हुआ था, थोड़ा जमा किया है खाने के लिए, तो अभी चाय के साथ खाने के लिए पूरा ठंडा हो गया है। अब इसको हम लोग मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसको हम लोग पूरा पीस देंगे, ठीक है। ये देखिए उस टाइम हम लोग जो पिसा हुआ मकई है पाउडर हुआ कि नहीं, देखिए पूरा, ये देखिए पूरा पाउडर हो गया। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं इस, ये मैं एक कटोरी में निकाल देती हूँ। ये देखिए एक कटोरी में मैं निकाल देती हूँ। ये आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, चीनी भी इसके साथ में आप लोग पीस सकते हैं। ये देखिए मैं अपने हिसाब से चीनी भी डाल देती हूँ। ये देखिए चीनी, और तीन चम्मच लिया मैं 1.5 चीनी डालती हूँ, और इसके साथ में आप लखनऊ से आप दूध, ये देखिए दूध भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे लाल चाय डाल सकते हैं।